चोर की दाड़ी में तिनका खानदान ने देश को 3 प्रधानमंत्री दिए, आज उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है, क्या कहेंगे? हमें इसी बार यही कहना है कि जैसे कि राहुल गांधी जी जब से ये 2019 के बाद ये सरकारें यहाँ पे बनी हैं, वो लगातार जो मुझे उठा रहे थे कि अंबानी अडानी का जो एक नेक्सस बना हुआ है, इस देश को लूटा जा रहा है, जो देश लोकतंत्र से नहीं लूट तंत्र से चल रहा है, उस लूट के खिलाफ जो उन्हें आवाज़ उठा रहे हैं और कैसी तरह से उस आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन राहुल जी ने पहले तो एक पैदल मार्ग चुना अपनी बात सुनाने के लिए, और आपने देखा होगा 4000 मील लंबी जो यात्रा उन्होंने की और कैसे करोड़ों लोगों का जन समूह के साथ रहा कि लोग कितने तंग हैं सरकारों से। अब जब देखा गया कि वो आवाज़ जब संसद में भी उठने लगी, उस आवाज़ को दबाने के लिए किन तरीकों से उनकी सदस्य रद्द की गई है, उसके खिलाफ पूरा देश इस समय आग बोल रहा है। और ये सत्याग्रह के माध्यम से, गांधी की नीति के माध्यम से हम ये प्रोत्साहित कर रहे हैं कि ऐसी सरकारें ना तो लोगों के जनहित में है और ना ही समाज के हित में। कितनी देर जो है ये प्रदर्शन चलने वाला? ये प्रदर्शन लगातार मोदी सरकार के खिलाफ चला जाएगा जब तक 20,000 करोड़ रुपए जो कि शेल कंपनी में अडानी ने इन्वेस्ट किए हैं वो किस किस की भागीदारी है उसमें, क्यों मोदी उस आवाज़ को दबाना चाहता है, उसके खिलाफ ये तमाम सदस्य या कांग्रेस पार्टी का जारी रहेगा। और जैसे जैसे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान लगातार अपने वाणी जी और अमन बाला जी के निर्देश पे हम सब लोग यहाँ पर जागरूक करने के लिए इस समय हिंदुस्तान को चाहिए कांग्रेस। हिंदुस्तान में कांग्रेस ही एक ऐसी जमात है जो सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और आज़ादी के सही मोड़े को जानती है और आगे युवाओं को आगे ला सकती है, उसके लिए हम सब संघर्ष करते हैं और हमारा संघर्ष बताता जाता है। किस तरह देखते हैं, जैसे साउथ कोरिया में हम देखते थे तानाशाही रवैया चल रहा है, क्या देखते हैं हिंदुस्तान में भी जो है तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है? यहाँ पे ऑटोक्रेटिक सरकारें यहाँ पे चल रही हैं, फासिज्म चल रहा है, फासीवाद यहाँ चल रहा है, और इस समय जो लोग यहाँ पे रूल कर रहे हैं उनको भी पता है कि मात्र एक ही आदमी की यहाँ पे जो दूती जो लोग होते हैं उसके खिलाफ ये जनतंत्र वहाँ बना हुआ है और ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन हमारी सरकारें जो है इसके खिलाफ यहाँ लामबंद है, जो हमारा जो आम आवाम जो है कांग्रेस के सिपाही सब से जुड़े हुए और हम इस लोकतंत्र के खिलाफ राहुल जी के साथ।